नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। भीगी हुई किशमिश ज़्यादा फायदेमंद होती है या फिर सूखी? वैसे तो किशमिश कई लोगों को पसंद होती है, लेकिन कई लोग ड्राई फ्रूट की तुलना में इसे कम मानते हैं, या यूं कहें कमतर आंकते हैं दोस्तों। इसी वजह से इसे खाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आपको जब इसकी खासियतों का पता चलेगा दोस्तों, तो न सिर्फ आप इसे खाना पसंद करेंगी, बल्कि अपने नियमित जीवन शैली में इसे सम्मिलित भी करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें हम कि सूखे और भीगे किशमिश के अलग अलग फायदे होते हैं। भीगे हुए किशमिश आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होता है, इसीलिए हेल्दी डाइट में शामिल किया जा सकता है इसे। इसमें प्राकृतिक शुगर भी बहुतायत मात्रा में मौजूद होती है दोस्तों। किशमिश वास्तव में सूखे हुए अंगूर होते हैं, ये कई रंगों में मौजूद होते हैं, जैसे गोल्ड, हरा और काला। इसके अलावा आप कई सब्जियों के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए भी किशमिश का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतर डाइजेशन के लिए, भींगे हुए किशमिश में कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा मात्रा में ना लें। इसे नियमित अपने आहार में शामिल करने से डाइजेशन की समस्या से निजात मिल जाती है। असल में यह फाइबर से भरपूर होता है। इसे आप एक गिलास पानी में 1 से 12 किशमिश भिंगो सकते हैं, जिससे पेट साफ हो जाएगा आपका, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। इसके साथ साथ इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दरअसल भींगे हुए किशमिश में सभी तरह के पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी पावर बेहतर होती है दोस्तों। साथ ही यह बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। और अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो आप किशमिश का सेवन करेंगे तो ये बदबू ख़त्म हो सकती है, नहीं दोस्तों बल्कि हो जाती है। खासकर यदि किसी महिला को नियमित मुंह से बदबू आने की शिकायत रहती है तो उन्हें इसका उपयोग अवश्य तौर पर करना चाहिए। अब ये तो हो गई दोस्तों भींगी हुई किशमिश के फ़ायदे। अब हम जानते हैं सूखे किशमिश का फ़ायदा। अगर आपका बहुत कोशिशों के बावजूद वज़न न बढ़ रहा हो तो आप सूखे किशमिश को रोज़ाना डाइट में शामिल करें। इससे आसानी से वज़न बढ़ सकता है। यही नहीं, इसमें एनर्जी बढ़ाने की क्षमता भी होती है। कैंसर से बचाओ। सूखे किशमिश में इतनी क्षमता होती है, यदि किसी के शरीर में कैंसर सेल डेवलप हो रहे होते हैं तो उसे रोकता है और आपको स्वस्थ बनाता है। दरअसल इसमें किचिन्स भारी मात्रा में पाई जाती है, जो कि रक्त में पाए जाने वाले पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको कैंसर से लड़ने में मदद करता है। हाइपरटेंशन से बचाता है ये। विशेषज्ञों का मानना है कि किशमिश के सेवन से आप हाइपरटेंशन की समस्या से लड़ सकते हैं। जैसा कि पहले ही जिक्र हम कर चुके हैं दोस्तों कि इसमें कई तरह के लाभदायक तत्व मौजूद होते हैं, इसी तरह इसमें पोटेशियम भी होता है। इसके सेवन से हाइपरटेंशन की स्थिति में सुधार होता है। माना जाता है कि किशमिश के सेवन से आप अनीमिया से भी लड़ सकते हैं। असल में किशमिश आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है, साथ ही इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ये सभी तत्व रक्त फॉर्मेशन में उपयोगी हैं। इतना ही नहीं, इसमें कॉपर भी होता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद मिलती है। अतः इसे आप अपने खान पान में निश्चित रूप से शामिल करें और अपने आप को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखें दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए भींगी हुई किशमिश और सूखा किशमिश खाने के फ़ायदों के बारे में जानकारियां लेकर के आए थे। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों,
कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।